Now let's see theorem number 6.7. Theorem 6.7 of NCERT class 9 क्या कहती है? Theorem 6.7 says here कहती है that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. You know what? किसी भी triangles के तीनों angles की measure कितनी होती है 180 degree. This says theorem 6.7. Theorem 6.7 कहती है कि त्रिभुज के तीनों angle की measurement जो होती है, तीनों angle की measurement के sum 180 degree के बराबर है. हमें इसे proof करके दिखानी है. कैसे प्रूफ करें? कम विद मी. सो बच्चों, सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे एबीसी और उस ट्रायंगल के एंगल्स के नेम देंगे. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. उसके बाद यू नो व्हाट, बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे ए से होते हुए. ड्रॉ, सपोज दैट ये लाइन PQ है. PQ, draw a line PQ parallel to BC. और ये दो एंगल्स के भी नेम हम रिटेन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5. ये 4 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. गॉट इट? अब हम इसे प्रूफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है. हमें पता है गिवन में है कि एबीसी क्या है, ट्रायंगल. सिंपली एबीसी इज अ ट्रायंगल. गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है. एबीसी इज अ ट्रायंगल. और क्या गिवन है हमें? बस सिंपल यही गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल. लेकिन प्रूफ क्या करने है? हमें प्रूफ करने है कि इन तीनों एंगल के मेजरमेंट 180 डिग्री है. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. त्रिभुज के तीनों एंगल के मेजरमेंट कितनी है? 180 डिग्री के बराबर. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करने हैं. और यू नो इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल को हम शॉर्ट में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों? PQ ड्रा करेंगे, ओके, व्हिच इज पैरेलल टू BC. ड्रा PQ पैरेलल टू BC थ्रू A. A से होते हुए ओके PQ ड्रा करेंगे जो BC के पैरेलल होगी. ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC थ्रू A. A से होते हुए प्रूफ में क्या करेंगे? देखें ध्यान से देखें. सिंस PQ एंड BC आर पैरेलल, चूंकि सिंस PQ पैरेलल टू BC, चूंकि यू नो PQ BC के पैरेलल है और AB क्या है, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल. सिंस PQ पैरेलल टू BC, फिर से करते हैं, सिंस PQ BC के पैरेलल है, सो राइट ऑन हियर, सिंस PQ पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल. और AB क्या है? ट्रांसवर्सल. AB एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइन को कट करती है, ओके. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे. हाउ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अगेन सिमिलरली PQ पैरेलल टू BC एंड AC क्या है? ट्रांसवर्सल है. देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 2 भी एंगल 5 के बराबर हो जाती है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 2 और 5 ही इक्वल हो जाते हैं. इसे हम सपोज कर लेते हैं बच्चों इक्वेशन 1, इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ अब हम इसे ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे पॉइंट ए पे भी क्या बन रही है? हमारी तीन एंगल्स बन रहे हैं, दीज प्लस दीज. और ये तीनों एंगल्स क्या बनाते हैं? लीनियर पे. क्योंकि यू नो व्हाट, जब किसी पॉइंट पे जितने भी एंगल्स हैं, ओके, ये सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए दैट विल बी लीनियर पे रहेंगे. सो हम करेंगे यहाँ पे नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री हाँ, कैसे? लीनियर पेयर से. ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री बना लेते हैं. गेटिंग इट? क्लियर है यहां तक? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180. बच्चों हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है.
ओके एंड एंगल टू एंगल फाइव के बराबर है. एंगल टू एंगल फाइव के बराबर है यू नो व्हाट, तो हम जस्ट यू नो व्हाट एंगल फोर को हम यहाँ पे एंगल वन भी रिटर्न कर सकते हैं ना. सो जस्ट लुक हियर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को एंगल फोर वन इज इक्वल टू एंगल फोर. सो हम फोर एंगल फोर को फोर नहीं रिटर्न करते, एंगल वन रिटर्न कर लेते हैं. एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल फाइव के बराबर है, एंगल फाइव को हम फाइव नहीं रिटर्न करते, एंगल टू रिटर्न कर लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और अगर हम इस ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिटर्न करें, जनरल फॉर्म में रिटर्न करें, तो ये बन जाती है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री. ओके एंड प्रूफ, और हमें यही प्रूफ करना था. देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री. गेटिंग इट? आया समझ में? वेरी इजी है ना. एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, फोर थ्री फाइव, ये तीनों के तीनों एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं. ओके जो कि 180 डिग्री के बराबर होती है. और हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, फाइव की प्लेस पे हम टू पुट कर लेते हैं, फोर की प्लेस पे वन पुट कर लेते हैं. तो हमने देखा एंगल वन एंगल टू एंड एंगल थ्री की सम हमारी आ जाती है 180 डिग्री. और हमें यही प्रूव करना था. बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व इट.